आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक, यानी कि हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक बिना अंडा, बिना ओवन के। और इसकी फ्रॉस्टिंग यानी कि चॉकलेट क्रीम जो ऊपर मैंने लगाई है, वो भी हम बनाएंगे बिना अंडे के और बिना क्रीम के। और इसका स्पंज इतना यमी टेस्टी निकल के आएगा। ये हमने बनाया है बिस्किट केक, तो चलिए इसको बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफाली सक्सेना आप सबका स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग चैनल द कुकिंग अड्डा पर। तो अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस आप तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगी नोटिफिकेशंस के थ्रू। तो चलिए इस यम्मी डिलीशियस बर्थडे केक को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लेती हूँ एक टिन, और इस तरीके से आप कोई भी ले सकते हैं, छोटा लेना हो, कोई राउंड लेना हो, या फिर इस तरीके से हर्ट शेप हो। तो आज मैं हर्ट शेप में बनाने वाली हूँ। तो मैंने ये ले लिया है टिन, और इसको मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लेती हूँ। तो यानी कि आप कोई भी टिन लेंगे या फिर कोई भी बर्तन अगर आप ले रहे हैं केक बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप उसको ज़रूर ग्रीस करें। और ग्रीस करने के साथ ही आप यहाँ पे एक चम्मच मैदा इस तरीके से डाल के इसको अच्छे से डस्ट कर लें। इससे क्या होगा, जब केक बनेगा तो नीचे चिपकेगा नहीं और बहुत आसानी से निकल आएगा। तो ये हो गए तैयार। यहाँ पे मेरे पास हैं कुछ बिस्किट्स, ये सब मिक्स बिस्किट हैं, यानी कि ग्लूकोज वाले भी हैं, चॉकलेट वाले भी हैं। आपके पास और कोई बिस्किट भी हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इवन रस्क भी जो होते हैं वो बच जाते हैं, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, इसको हम ना पीस लेते हैं। तो एक ब्लेंडर में मैं इन सारे बिस्किट्स को डाल देती हूँ। तो ये लगभग 25-30 बिस्किट्स होंगे ग्लूकोज के, और 20 के करीब जो चॉकलेट क्रीम वाले बिस्किट होते हैं वो हैं। तो इन सबको मैं अच्छे से पीस लूँगी पहले इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल पीस के तैयार हो गया, एकदम अच्छे से महीन पिस गया है, बिल्कुल ऐसे पाउडर हो गया है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पाउडर हो जाना चाहिए, आपको इतना पीसना है इसको। चाहे तो आप थोड़े थोड़े बैचेस में करके भी पीस सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा आपको इस तरीके से मिक्स कर करके भी पीस सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कहीं नहीं ले जाएंगे, हम इसी में ऐड कर रहे हैं। ये आधा कप चीनी मैंने ऐड करी है इसके अंदर, क्योंकि बिस्किट में ऑलरेडी चीनी होती है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग ही इसमें यहाँ पर चीनी ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा कप मैदा का। तो बिस्किट थोड़े कम थे इसीलिए मैंने मैदा भी यूज़ करी है। अगर आपके पास बिस्किट थोड़े ज़्यादा हो तो आपको मैदा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आधा कप मैदा ले लिया, और 1/4 कप मैं यहाँ ले रही हूँ रिफाइंड ऑयल का। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर केक के ऑलमोस्ट सारे इंग्रीडियंट्स इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब मैं क्या करूँगी, इसमें एक राइजिंग एजेंट ऐड कर रही हूँ, ये है बेकिंग सोडा का। तो आधी छोटी चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है, और एक छोटी चम्मच मैं यहाँ बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम अंडा यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों चाहिए होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 गिलास भर के दूध, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। और लगभग मेरा 1 गिलास दूध इसमें पड़ा है। अगर आपको लगता है थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो आप और ज़्यादा इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके से तैयार हुआ है मेरे पास ये बैटर, और इतना ही ये मतलब ढीला है, इस तरीके से है इसका जो टेक्सचर है वो इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ है, और बिल्कुल आपको इसी तरीके से इसका टेक्सचर चाहिए। तो आप अच्छे से इसको पीस लेंगे तो क्या होगा, हमें जो फेंटने वाला प्रोसेस होता है वो ज़रूरी नहीं रहेगा। और अब मैं इसको इस टिन में रख देती हूँ इस तरीके से। तो एक तरफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम इवन होना चाहिए इस तरीके से। तो अब आप इसको या तो ओवन में रख सकते हैं, या फिर इस तरीके से कोई कढ़ाई ले लीजिए और इसके ऊपर आप इस तरीके से कोई बर्तन रख सकते हैं, छोटी कटोरी, एक जैसे स्टैंड बन जाएगा। और फिर इस तरीके से आपको प्लेस करना होगा ये केक वाला बर्तन, और इसको इस तरीके से आप रख देंगे, और इसको आप ढक के गैस पे बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। या फिर अगर आपको लगता है फ्लेम आपकी थोड़ी ज़्यादा आ रही है गैस की, तो आप तवे के ऊपर इसको रख सकते हैं, मतलब गैस के ऊपर तवा रखेंगे, तवे के ऊपर ये कढ़ाई। तो लगभग 40 मिनट लग जाएंगे। तब तक हम क्या करते हैं, इसकी फ्रॉस्टिंग की तैयारी करते हैं। यहाँ कुछ बिस्किट हैं मेरे पास, करीबन 10 से 12 बिस्किट्स हैं चॉकलेट वाले, जो भी आपको फ्लेवर चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और इनको मैंने इस तरीके से बिल्कुल बारीक पीस लिया, ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक मैंने पीसा है इनको, एकदम महीन हो गया है इसको।
अब हम इसको ले लेते हैं एक बर्तन में इस तरीके से। और ये सारे बिस्किट मैंने ले लिए हैं, ध्यान रखेंगे ये बहुत सारी क्वांटिटी हो गई थी, मतलब ये 2 केक के बराबर की क्वांटिटी हो गई थी इस फ्रॉस्टिंग की, तो आप या तो हाफ़ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 चम्मच मैदा ऐड कर रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच जैसे होता है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी चीनी, बिस्किट ऑलरेडी मीठे होते हैं लेकिन मैंने मैदा भी डाली थी तो सोचा क्यों ना थोड़ी चीनी भी ऐड कर दी जाए, तो 1 चम्मच मैंने चीनी ऐड कर दी है और इसको इस तरीके से मिक्स कर लिया है। तो ये जो दाने दाने आ रहे हैं वो चीनी के ही आ रहे हैं। और अब मैं यहाँ पे दूध ऐड कर लूँगी, इसको ग्लास भर के पूरा दूध इसमें ऐड कर देना है और इसको अच्छे से पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ ताकि कोई लम्ब्स ना रहे इसके अंदर। इस तरीके से आप मिक्स कर लेंगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से मिक्स हो जाता है। अब क्या करते हैं, कुक करते हैं इसको थोड़ा सा। एक पैन आप गरम कर लीजिए और ये जो हमने मिक्सचर बनाया है ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, तो ये हमारी फ्रॉस्टिंग को बहुत ही अच्छा टेक्सचर दे देगा, बहुत अच्छा फ्लेवर भी दे देगा ये प्रोसेस से। और अब आपको क्या करना है, इस तरीके से ना चलाते रहना है, मतलब इसको छोड़ना नहीं है, और मीडियम हीट पे आपको इसे पकाना होगा। और जब आप इस तरीके से चलाते रहेंगे तो लगभग 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे ये इस तरीके से हो गया है, मतलब ये इस तरीके से इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा, यानी कि अच्छे से पक जाएगा और अच्छे से इसके अंदर कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी। तो ये सॉस हो गया तैयार। अब हम क्या करते हैं, एक बर्तन में इसको निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो मैं प्रेफर ये करूँगी आप नॉनस्टिक में बनाएंगे तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो अब मैंने इसको अच्छे से निकाल लिया है इसमें। तो जनरली क्या होता है, हम इसे ठंडा करने के लिए रखते हैं, तो आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं ठंडा करने के लिए, लेकिन एकदम इंस्टेंट बनाना हो जैसे, तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से चमचे से फेंटते जाना है। तो ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो जाती है, 4 से 5 मिनट अगर आप इसको फेंटेंगे तो ये प्रोसेस इतनी जल्दी से बन जाता है, मतलब इतनी जल्दी ठंडा हो जाता है इस तरीके से। तो ये जो आप गाढ़ापन देख रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, आप फेंटते रहेंगे तो ये ठंडी हो जाएगी लेकिन ना तो लूज़ होगी और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, ऐसे ही रहेगी इसकी कंसिस्टेंसी। तो इस तरीके से आप लगभग 5 मिनट तक करेंगे। उसके बाद अब मैं एक बर्तन ले लेती हूँ और यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने घी यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो आप बटर यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो अनसॉल्टेड बटर होना चाहिए, तो अनसॉल्टेड बटर नहीं था मेरे पास, सॉल्टेड वाला था, तो मैंने यहाँ पे घी यूज़ किया है। तो 2 बड़े चम्मच घी हम लेना है और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए इस तरीके से। और इसको हल्का सा ना पहले फेंट लेते हैं, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, बहुत हल्का सा फेंटना है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ चीनी ऐड कर लेती हूँ, ये 1/4 कप चीनी है, और इसको भी मैं इसके साथ विस्क कर लेती हूँ। आप चाहें तो चीनी का पाउडर बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने इसी तरीके से चीनी ऐड कर दी है और हल्का सा विस्क कर लिया है। तो अब हमने जो ये बनाया था चॉकलेट के जो गनाश बन गया है ये, इसको मैं इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। तो 1 बड़ा चम्मच पहले मैंने ऐड किया है, तो मैं आपको यही बता रही थी कि ये जो बिस्किट से मैंने गनाश बनाया है ये बहुत सारा हो गया था, मतलब 2 केक के बराबर, इसीलिए मैंने आधा ही गनाश यूज़ किया है इसके अंदर। तो मैं 1 चम्मच और 1 बड़ा भर के ले लेती हूँ और बाकी मैंने स्टोर करके रख लिया है नेक्स्ट केक के लिए। अब आपको इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है, तो जितना आप फेंटेंगे उसकी क्वांटिटी उतनी डबल होती जाएगी और वो उतना ही फ्लफ़ी होता चला जाएगा। तब आप देखेंगे इस तरीके से ये विस्क करते रहेंगे तो ये क्वांटिटी इस तरीके से हो जाएगी। तो इस तरीके से बिल्कुल आपको विस्क करते जाना है और लगभग 4 मिनट बस काफ़ी रहेंगे अगर आपके पास इस तरीके का विस्कर है तो। तो अब हम देखते हैं केक, तो ये थोड़ा सा गरम है, आपको इस बात का ध्यान रखना है बहुत गरम होगा। तो अब मैं इसको कढ़ाई से हटा देती हूँ इस तरीके से, और जब ये रूम टेम्परेचर पे थोड़ा आ जाए तब आपको इसकी एजेस अलग करनी होंगी इस तरीके से ताकि एजेस से निकल जाए। और इसको मैं पलट देती हूँ, तो ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया, ये बिल्कुल क्लीन है। इसका मतलब है जो हमने इसको जो डस्ट किया था मैदा से, और तो ये इससे चिपका नहीं, और इसकी ये देखिए कितना अच्छा स्पंज निकल के आया है, बिल्कुल बहुत ही
बढ़िया सा स्पंज बन गया है, बहुत अच्छा सा। तो अब क्या करते हैं, इस केक को एक किसी प्लेट में हम ले लेते हैं जिस प्लेट में आपको सर्व करना हो। और ये जो हमने गनाश बनाई थी, मैंने इस तरीके से इकट्ठी कर ली है इसको, इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हो गई है वो। और इसको मैं इस तरीके से इसके ऊपर, आप जित जैसे भी चाहें इसके ऊपर आप इसको सजा सकते हैं फ्रॉस्टिंग को। तो आप चाहें तो केक को बीच में से हाफ़ करके भी बना सकते हैं, जैसे सैंडविच बन जाते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया है, मैंने एज इट इज़ ही इसके ऊपर कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी केक इतना ज़्यादा चॉकलेटी और क्रीमी है, तो ऊपर से भी क्रीम हो जाएगी, अंदर भी क्रीम हो जाएगी, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको और ऊपर से ही इसे फ्रॉस्टिंग लगाना शुरू कर दी है इस तरीके से। तो अब आप देखेंगे कि फ्रॉस्टिंग आप ऊपर तो लगा पा रहे हैं आराम से, आपसे लग जाएगी, लेकिन साइड्स आपकी रह जाएंगी, क्योंकि केक वालों के पास तो एक पूरा होता है, वो घूमता रहता है, तो हमारे पास वो तो नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से किसी ग्लास पे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है वो केक आपका गिर सकता है ग्लास के ऊपर से, तो दो ग्लास आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, 3 ग्लास यूज़ कर लिया, मतलब 2 ग्लास इस तरीके से, और ये जो लास्ट का है इसमें मैंने 3रा ग्लास फंसा लिया है। तो ये हमारा एकदम से रोलर तैयार हो गया है, जैसे केक फ्रॉस्टिंग के लिए होता है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो साइड्स बची हैं उनमें मैं इस तरीके से फ्रॉस्टिंग लगाती जाऊँगी इस तरीके से, और इसको मैं प्लेट से ऐसे घुमाती भी रहूँगी साथ साथ। तो फिर क्या होगा कि मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और बार बार केक खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एकदम से ये फ्रॉस्टिंग लगती चली जाएगी। तो ये इस तरीके से आपको घुमाना है प्लेट को नीचे से, और ये इस तरीके से होता चला जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मैसी वर्क भी नहीं होगा और हमारा काम भी बनता चला जाएगा। तो अब आप देखेंगे ये अनइवन है, तो मैंने चाकू से जो है, चाकू को थोड़ा सा पानी में डुबोया था, और उसके बाद मैं ऊपर से क्लीन कर देती हूँ, तो ये बहुत आराम से सेटल हो जाता है इस तरीके से। देखिए, मैं इसको अब ये ग्लास से हटा लेती हूँ और प्लेट में रख लेती हूँ जिस पे मुझे सर्व करना ही है। तो अब मैंने ये सेटल कर लिया था पूरे अच्छे से, और थोड़ी सी जो ये फ्रॉस्टिंग बची थी वो मैंने ऐसे पाइपिंग बैग में डाल ली है। ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है, आप किस तरीके से इसको सजाना चाहते हैं। अगर आपके पास रेडीमेड जो नोज़ल्स आते हैं वो हो, आप उनसे भी इसको सजा सकते हैं, कैसे भी करके आप डेकोरेट कर सकते हैं, जेम्स लगाइए, चॉकलेट्स लगाइए, जैसा भी मन करे। तो ये मेरी केक बन के तैयार हो गया है, तो बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगी और ये केक बिल्कुल झटपट बन के तैयार हो गया। बाहर की ज़रूरत ही नहीं है, बाहर घर से बाहर निकलने की, हम घर के अंदर भी बना सकते हैं स्पेशल सा बर्थडे केक, और बिना चॉकलेट के, बिना अंडे के, बहुत ही जल्दी से ही बन के तैयार हो जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आने वाली रेसिपीज़ आप इस तरीके से देख सकते हैं।